a random variable that takes on finite or countably infinite number of values is called discrete random variable. ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है. रैंडम वेरिएबल की मैं पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ. या फाइनाइट को या काउंटेबली इंफिनिट को, यानी फाइनाइट का मतलब आवाज कम करें जी. या तो डिस्क्रीट या तो फाइनाइट हो या काउंटेबली इन्फिनिट हो, ऐसा रैंडम वेरिएबल जो फाइनाइट हो या काउंटेबली इन्फिनिट हो वो कहलाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. तो क्या आपको फाइनाइट और काउंटेबली इन्फिनिट का कॉन्सेप्ट है? जी सर, जिसकी कोई लिमिट हो जी नंबर. अच्छा, फाइनाइट ये ऊपर एक रैंडम वेरिएबल है जिसमें दो चार पॉसिबल वैल्यूज हैं, 2, 1, 1 और 0, ऐसे ही है ना. तो x की वैल्यूज क्या हो सकती है? 0, 1 और 2, ठीक है? यस सर. तो ये फाइनाइट आउटपुट्स है इसकी रैंडम वेरिएबल. वो रैंडम वेरिएबल जो वैल्यूज लेता है वो फाइनाइट है. लेकिन ये भी हो सकता है कि रैंडम वेरिएबल वैल्यू थे 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, वो काउंटेबली इन्फिनिट होगा. इन्फिनिट होगा लेकिन काउंटेबल होगा. तो ऐसे x जिनके आउटपुट फाइनाइट आते हैं या काउंटेबली इन्फिनिट आते हैं वो कहलाते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. लेकिन कुछ और रैंडम वेरिएबल्स भी हैं जिनमें जो है फाइनाइट और काउंटेबली इन्फिनिट आउटपुट नहीं आते, बल्कि नॉन काउंटेबल काउंटेबली इन्फिनिट नंबर जो है वो आउटपुट के तौर पे आते हैं. ऐसे कहलाते हैं नॉन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, या इनको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स भी कहा जाता है. ठीक है सर, फिर नॉन काउंटेबल इनफिनाइट नंबर कौन से होंगे? फर्ज करें रैंडम वेरिएबल वैल्यू लेता है बिटवीन 0 एंड 1 इंटरवल के दरमियान में, तो फिर वो फाइनाइट तो ना हुआ और वो काउंटेबल भी ना हुआ. जी सर, ठीक है. यानी आउटपुट अगर फर्ज फाइनाइट सेट में जा रही है तो इसका मतलब है फाइनाइट है. आउटपुट अगर नेचुरल नंबर्स में जा रही है या इंटीजर्स में जा रही है या रैशनल नंबर्स में जा रही है तो वो काउंटेबल इन्फिनिट है. और अगर आउटपुट इंटरवल्स में जा रही है तो वो काउंटेबली इन्फिनिट नॉन काउंटेबल इन्फिनिट है, अनकाउंटेबल है ये. ओके, ठीक है. अब है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट का मतलब है या तो रैंडम वेरिएबल फाइनाइट वैल्यूज ले रहा होगा या countably infinite values ले रहा होगा. ये बात जहन में आ जानी चाहिए, ठीक है? Discrete probability distribution. Discrete का मतलब हम हमेशा यही लेंगे. क्या मतलब लेंगे discrete का? या तो ये finite values देगा या countably infinite. Infinite. Okay, good. Let x be a discrete random variable. अगर x discrete random variable है and suppose that the possible values that it can assume are given by x1, x2, x3 and so on. अगर इसकी possible values जो ये ले सकता है वो है x1, x2, x3, x4, x5 and so on. अच्छा, suppose also that these values are assumed with probabilities given by p of x equals to x1 is equals to f of x1. अगर कोई ऐसा function हम ढूंढ सकते हैं जो हमें probabilities निकाल के दे दे, एक्स जब एक्स वन हो तो फंक्शन की वैल्यू उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दे, तो ऐसा फंक्शन कहलाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. इट इज कन्वीनियंट टू इंट्रोड्यूस द प्रोबेबिलिटी फंक्शन आल्सो रेफर्ड टू एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स इज इक्वल टू एक्स इज एफ ऑफ एक्स. ये जो फंक्शन है, ऐसा फंक्शन ढूंढना जो आपको प्रोबेबिलिटी के आंसर दे, वो फंक्शन जो है वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. कोई सवाल? ये फंक्शन कैसा होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, ये पेंडिंग क्वेश्चन है, ये हम आगे सीखेंगे. फिलहाल सिर्फ डेफिनेशन आई है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक फंक्शन होता है जो किसी भी रैंडम वेरिएबल की एट पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी निकालता है. ओके, सही है सर. ओके, अब हम आते हैं वापस इस टेबल की तरफ. यहाँ हम प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालें? ओके,
जी सर ओके यस सर एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या है सर 1 0 1 एंड 2 ओके यहां मैं आता हूं ये ज़हन में रखनी है 0 1 और 2 ओके जी सर ओके अब आपने मुझे बताना है जो मैं आपसे सवाल पूछूं आपने मुझे बताना है चलो ये है प्रोबेबिलिटी पहले तो एक्स देखें एक्स की वैल्यूज क्या आती है 0 1 2 ऐसे जी यस सर 0 का बाइनरी जब टेल टेल आएगा ऐसे जी सर 1 का बाइनरी जब हेड टेल टेल आएगा या टेल हेड आएगा या टेल और हेड आएगा गुड टेल और हेड आएगा 2 कब आएगी जब हेड हेड आएगा हेड और हेड ओके अब हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स इक्वल्स 0 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हम प्रोबेबिलिटी फाइनाइट सैंपल स्पेसेस में कैसे फाइंड करते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ऐसे यस सर ओवर टोटल डिवाइडेड बाय ओके ओके इस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो हम किस इवेंट की फाइंड करने जा रहे हैं अगर एक्स 0 हो तो इवेंट क्या बनेगा इवेंट बनेगा टेल टेल ओके यस सर क्योंकि ये एक इवेंट है जिसमें प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 आता है एग्रीड और नॉट जी सर यस सर ओके तो फिर इस इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं 0 0 सर हेड कोई भी नहीं है मैंने हेड तो नहीं कहा एलिमेंट कितने हैं इस इवेंट में 2 सर 2 है सर 2 है श्योर एस क्या थी सैंपल स्पेस बताए क्या थी 4 थी सर सैंपल स्पेस 4 थी सैंपल स्पेस क्या थी बेटे सैंपल स्पेस एक सेट होता है नंबर नहीं होता सैंपल 4 सर सर हेड हेड टेल 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 हेड एंड टेल टेल ठीक है हेड हेड 4 नहीं होता सैंपल स्पेस को नंबर नहीं होता सैंपल स्पेस एक सेट होता है हेड 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 टेल ऐसे जी जी सर और टेल हेड और टेल 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 ये बताएं कि ये जो मैंने सेट लिखा है ये वाला क्या ये इवेंट है यस सर जी इवेंट है तो एस का सबसेट होगा जी यस सर नाउ टेल मी हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस सेट 1 सर 4 एलिमेंट 1 है इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1 एलिमेंट है 2 नहीं है जो 2 बोल रहे थे वो इसलिए बोल रहे थे कि इसमें 2 दफा टी लिखा हुआ तो क्या 2 दफा टी जो है ये 2 एलिमेंट्स है या एक ही एलिमेंट एक ही है सर एक कंसीडर होगा ओके एलिमेंट एक 1/4 4 टोटल है और 1 इवेंट के अंदर एलिमेंट्स ओके यस सर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज 1/4 इज इट क्लियर Yes, sir. Yes, sir. अब probability of getting x equals 1. एक हासिल करने की probability क्या है? Probability of some event. Event होना चाहिए. वो event में कितने elements होंगे? तब 1 आता है answer. Head, tail and tail head. Okay. Head, tail and tail, tail head, और head. ये जब होगा तो हमारे पास हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द इवेंट 2 सर 2 बाय 1 2 आया 4 ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी व्हिच इज 1 बाय 2 एनी क्वेश्चन नो सर नो सर ओके देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स 1 मिनट होल्ड कीजिएगा एक मिनट होल्ड कीजिए
जी बेटे आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। स्क्रीन नजर आ रही है आपको सबको? यस सर। जी सर। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स इज इक्वल्स टू टू क्या होगी सर? हेड हेड आएगा इवेंट सर। सिर्फ हेड हेड इवेंट आएगा तो ये 1/4 होगी। एग्रीड और नॉट? जी सर। यस सर। ओके, तो 1/4, 1/2 और 1/4। तो मैं ये लिख सकता हूँ, मैं एक टेबल बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं ये डिस्क्रिप्शन दे दूँ। डिस्क्रिप्शन क्या दूँ कि मेरा एक्स क्या है और मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है। एक्स मेरा ये है और एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, ये मैं बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? ये देखें, अगर एक्स ज़ीरो है, वन है, टू है, इसके अलावा एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे ही जी? Yes, तो मेरा एफ ऑफ एक्स 1/4 है, एफ ऑफ एक्स 1/2 है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स 1/4। तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स। तो मैं डेंसिटी फंक्शन किसे कहूँगा? ये जो टेबल मैंने बनाया है ये मेरा एक डेंसिटी फंक्शन है। सही। ओके, तो आप इसको टेबल की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको इस शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं अब लिखने लगा हूँ, f is equals to a set consists of x and probability of getting x, यहाँ small x आएगा, sorry, x is equal to small x, ये pair की शक्ल में आप लिख लें, जहाँ आप कहें ये जो small x है ये बिलोंग करता है सेट 0, 1 और 2। ये आपका जो बड़ा सेट है ये भी डेंसिटी फंक्शन की एक रिप्रेजेंटेशन। सही है सर। अच्छा, डेंसिटी फंक्शन की एक और रिप्रेजेंटेशन भी है, वो ये है कि आप एफ ऑफ एक्स को इस तरह लिख लें, जैसे मैं लिख रहा हूँ ये पीस वाइज फंक्शन की शक्ल में, जहाँ आ जाएगा 1/4 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 या 2 और 1/2 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये डेंसिटी फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन और 0 अदरवाइज। ओके, यस सर। अदरवाइज, अदरवाइज जीरो, इन दो वैल्यूज पे, तीन वैल्यूज पे ये आंसर करेगा, अदरवाइज जीरो। ये तीन तरीके हैं डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के। एक मैंने आपके सामने ये लिखा सेट फॉर्म में, ठीक है, एक टेबल फॉर्म में है, और एक ये आपके पास फंक्शन फॉर्म में। बात एक ही है, लिखने के तरीके तीन। एनी क्वेश्चन? नो सर। ये बुक्स में आपको ये तीनों तरीके मिलेंगे मुख्तलिफ क्वेश्चन। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है? ऐसा रैंडम वेरिएबल जो डिस्क्रीट हो उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हमें एफ फाइंड करना होता है यूजिंग द सैंपल स्पेस एंड द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब आपको एफ समझ आया ये क्या है? यस सर। ओके, एफ फाइंड कैसे करना है ये भी समझ आ रहा है? जी सर। यस सर। फॉर एक्स इज इक्वल टू एक्स के दिस रिड्यूस टू 1 व्हाइल फॉर अदर वैल्यूज ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। गौर करने की बात है कि अगर आप एक्स इज इक्वल टू एक्स के पुट करेंगे तो इस एफ की वैल्यू आएगी यहाँ ये वाली, अदरवाइज ये 0 होगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ प्रेजेंटेशन में कि अदरवाइज ये जीरो है, ठीक है, नजर आ रहा है ना, अदरवाइज जीरो है। जी सर। तो ये अदरवाइज हमेशा जीरो होगा बर्थडे और एक्स के ऊपर ये वैल्यूज देगा आपको इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी। ओके ओके सर। यस सर। इन जनरल एफ ऑफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। एफ ऑफ एक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है। ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमेशा वैलिड होगी, चाहे वो डिस्क्रीट हो, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे कोई भी हो,
ये प्रॉपर्टीज हमेशा वैलिड होगी। उनमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि एफ ऑफ एक्स कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो होगा। ओके जी सर। इसी तरह टोटल प्रोबेबिलिटी वन रहेगी, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज वन। इस केस में भी अगर आप 1 by 2, 1 by 4 और 1 by 2 को ऐड करें, 1 by 4, 1 by 4 और 1 by 2 को ऐड करें, you will get 1। जो हमने केस अभी किया है इसमें 1 है, तो टोटल सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज है वो 1 होगा। ये प्रॉपर्टी भी हर डेंसिटी फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। ओके तो आते हैं इसी टेबल की तरफ वापस, और इसके लिए इसने जो काम किया है वो देखो। Find the probability function corresponding to the random variable x, assuming that the coin is fair. ये जो हमने एग्जाम्पल की है अभी 2.1, इसके अंदर जो probability function है हमने find कर, उसने कहा जी probability of head at 1 by 4 है, probability of head tail 1 by 4 है, probability of tail head 1 by 4 है, probability of tail tail ये भी 1 by 4 है, सबकी probability 1 by 4 है। Then probability of getting x is equal to 0 is probability of tail tail, जो हमने अभी लिखा, this is 1 by 4. Probability of getting x is equals to 1 is probability of getting head tail या tail head, union means or या, इसको probability of head tail plus probability of tail head, दोनों की probabilities को add कर देंगे, this becomes 1 by 2. इसी तरह probability of getting x is equals to 2 is probability of getting head head, which is 1 by 4. तो ये जो table मैंने उधर भी बनाया और यहाँ भी बना हुआ है, ये table कहलाता है probability function या density function, इसका नाम ये। Any question? No sir. अच्छा, ये है density function। एक होता है distribution function। अगला concept आपका वो है distribution function। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। Density function define होता है equals to f of x। नजर आ रहा है? Yes sir। Distribution function थोड़ा different define होता है। ये equals to f of x, x is equals to x नहीं है, less than or equals to x है, ठीक है? ये small f of x कैसे define होगा? Probability of getting x is equals to x, okay? जी सर। लेकिन ये define होगा बेटे, probability of getting x less or equals to x, equal भी और less भी, इसको कहते हैं cumulative distribution function या distribution function। ऊपर वाले को कहते हैं डेंसिटी फंक्शन, नीचे वाले को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसका फार्मूला है ये इक्वेशन 3, एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है? जी सर। ओके ओके। एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग नहीं है। क्या मतलब हुआ? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। डिक्रीजिंग नहीं है मतलब क्या हुआ? हर आने वाली बड़ी वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी या उसके बराबर होगी। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ये है, ये नहीं हो सकता कि x less than r equals to y हो और f of x जो है वो greater than f of y हो जाए, ये नहीं होगा, ठीक है? नहीं समझ आया तो पूछें। सर ये एक बार दोबारा बता दें। पूछें, सवाल पूछें, ये बता तो मैं वही दूंगा जो मैंने अभी बताया, फायदा क्या हो? सवाल पूछें। प्रॉपर्टीज बता दें। वाली प्रॉपर्टी बताई है ना, एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग, सर ये वाली बता दें दोबारा बार। आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पता है? यस सर। क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन? कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, कैसे, क्या डेफिनेशन है इंक्रीजिंग की? हेलो, जो है ग्रेटर नंबर लेंगे, ये डेफिनेशन है इंक्रीजिंग फंक्शन की कि ग्रेटर नंबर लेंगे? बिल्कुल डेफिनेशन आपको नहीं आती? आप सर मुझे नहीं आती, आपको आती है तो आप बताएं, जो भी आती है गलत या सही मैटर नहीं करता, आप बताएं बस जो भी है। सर एक्स की वैल्यू जब इंक्रीज, अचानक लड़की से लड़के की आवाज कहाँ आ गई? पहले मैं इस बच्चे से बात कर लूँ फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आप मुझे बेटे बताएं, घबराए नहीं, आप मुझे बताएं
अगर आप गलत भी बोल रही हैं तो मैटर नहीं करता, मैं आपको बता दूंगा। आप बताएं जी सर। सर इंक्रीमेंट वो फंक्शन वो होते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर जैसे एक एक्स वैल्यू है और एक वाई वैल्यू है तो इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो हमारे पास इंक्रीजिंग होगा और जो लेस देन होगा उसको हम डिक्रीजिंग। नहीं ये डेफिनेशन नहीं है, ये गलत बता रही हैं आप, इसमें मिस्टेक है, काफी बड़ी मिस्टेक है। कोई है जी जिसको इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन आती है? सर जो जीरो से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा हो पॉजिटिव की तरफ वो फंक्शन हमारा इंक्रीज होता है। नहीं ऐसे हर सर ये कौन सी डेट। हेलो आपकी आवाज रुक रही है, कोई बोल रहा है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही। सर वाई की वैल्यू इंक्रीज हो तो एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज करे। नहीं ये गलत डेफिनेशन है। तो असल में मैं बताता हूँ आप लोगों को, चलिए सो मुझे सिर्फ पूछना था, मुझे सिर्फ ये पता करना था कि आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्सेप्ट क्या। नहीं मुझे लगता है आप लोगों को नहीं आता। अच्छा ऐसा है ये जुमला इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि आपको चार डेफिनेशंस नहीं आती। एक है इंक्रीजिंग, एक है नॉन इंक्रीजिंग, एक है डिक्रीजिंग, एक है नॉन डिक्रीजिंग। ये चार डेफिनेशंस है, आपको आती है चार डेफिनेशंस? नो सर नहीं आती, इसी वजह से आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम करते हैं। पहले लिमिट की डेफिनेशन आती है, किसी भी फंक्शन की लिमिट से क्या मुराद है? सर एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है उसको। देखिए मैं लिमिट की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से क्या मुराद है ये पता है? कैलकुलस तो पढ़ी होगी ना बेटे? जी सर कैलकुलस पढ़ी है। हाँ तो उसमें ये डेफिनेशन आई है या नहीं आई कभी? आई थी सर। तो आती है डेफिनेशन या नहीं आती, बस ये पूछ रहा हूँ। सर अभी सही तरह नहीं आती। तो नहीं पढ़ी, क्योंकि पढ़ने वाली चीज तो है वो भूल नहीं चाहिए ना। इतना अरसा एफ एस सी में भी पढ़ा है, बी एस में भी आके आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं आती तो आपने उसको सही तरह नहीं पढ़ा। किसी को भी नहीं आती, एक भी बच्चा नहीं है हमारे पास जी। पता सर सर जी जी कंटिन्यूस फंक्शन। ओके कंटिन्यूस फंक्शन का बारे में पता है कि कंटिन्यूस फ्रॉम राइट और कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट और कंटिन्यूस फंक्शन में क्या फर्क है? कंटिन्यूस फ्रॉम राइट एक डेफिनेशन है, कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट दूसरी डेफिनेशन है और कंटिन्यूस फंक्शन तीसरी डेफिनेशन है। तीन डेफिनेशन पता है ये जी। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाएगी वही पॉइंट फंक्शन में पुट करेंगे वो भी लिमिट के इक्वल आ जाएगा तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। आइडिया है लेकिन कोर डेफिनेशन आपको नहीं आती। अच्छा ठीक है, तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो पार्ट है ना ये वाला 1, 2, 3 ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अगर आप लोग इंक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग डेफिनेशन नहीं समझ सकते या लिमिट की प्रॉपर डेफिनेशन आपको नहीं आती या आप कंटिन्यूस फ्रॉम राइट कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट और कंटिन्यूस की डेफिनेशन आपको नहीं आती तो फिर आप ये नहीं समझ सकते। तो क्या वो डिस्कस करें आप या आप लोग खुद पढ़ लेंगे? मुझे दोनों में से एक ऑप्शन पढ़ लेंगे आज पढ़ लेंगे। ठीक है तो आपका टास्क क्या है वो मैं बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में ये जो तीन लाइनें लिखी हुई है ये आप लोगों ने कल मुझसे डिस्कस करनी, कल आपकी थोड़ी देर की क्लास में लूंगा मॉर्निंग में। ठीक है ओके सर। उसमें आपने किसी भी बच्चे ने मतलब इसको डिस्क्राइब करना है, जो डिस्क्रिप्शन आप देंगे उसके ऊपर फिर मैं आपने कमेंट्स दूंगा। ठीक है सही है सर जी सर। ओके ओके तो फिलहाल मैं सिर्फ इस डेफिनेशन तक रहता हूँ जो इक्वेशन 3 में है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकाला जाता है probability of getting x less or equals to x, ये मैं लिखता हूँ और मैं आपको इसकी description देता हूँ। यहाँ पे एक slide और चल
ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी, कैपिटल एफ ऑफ एक्स ये इक्वल होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैपिटल एक्स लेस आर इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, ये हमने पढ़ाया अभी, ठीक है? ओके जी सर। अच्छा, पीछे हमने एक टेबल पढ़ा है जिसमें 0, 1, 2 एक्स की वैल्यूज थी, ऐसा था जी सर। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज जो है वो हमने पढ़ी कुछ इस तरह, यहाँ 1/4 था, यहाँ 1/2 था, ऐसे जी, और यहाँ 1/4 था, और अदरवाइज ये 0 था, ये पढ़ा है ना हमने जी सर। अब मैं यहाँ कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज को जो है ना वो निकालूंगा इस टेबल के लिए यूजिंग दिस फार्मूला। कोई सवाल? क्लियर है जी सर? यस सर। ओके, कैपिटल एफ ऑफ एक्स हम निकालते हैं। कैपिटल एफ ऑफ 0 का मतलब कैपिटल एफ ऑफ -1 का मतलब समझते हैं पहले। बाय डेफिनेशन ये क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या? कैपिटल एक्स लेस आर इक्वल्स टू -1, हाँ या ना? इस वक्त स्मॉल एक्स हमारे पास नहीं है, स्मॉल एक्स की जगह -1 है जी सर, तो हम -1 पुट करेंगे ना उसकी जगह जी सर। मैं आपसे सादा सा सवाल पूछता हूँ, आप बताएं कि एक्स की, कैपिटल एक्स की कितनी वैल्यूज -1 से पीछे हैं? भाभी को, भाभी को जानिया, भाभी को। हेलो सर, काउंटेबल इनफिनाइट वैल्यूज। मैं पूछ रहा हूँ कि कैपिटल एक्स की कितनी वैल्यूज -1 से पीछे हैं, ये पूछ रहा हूँ। मुश्किल सवाल सर, कोई वैल्यू नहीं है। तो कौन कौन सी दो वैल्यूज हैं बेटे -1 से पीछे? 0 and 1/4। यानी आप ये कह रहे 0 और 1 लेस देन -1 है, ये कह रहे? हेलो जी सर, आप ये कह रहे हैं कि 0 और 1 लेस देन -1 है? कितनी वैल्यूज -1 से पीछे है एक्स की? सर -∞। -∞ एक्स की वैल्यू है सर? कोई भी नहीं है। एक्स की कितनी वैल्यूज है टोटल? नहीं सर, कोई भी नहीं है। इसके नीचे वो लगा, तीन वैल्यूज है, 0, 1 और 2। -1 से पीछे इसकी कोई वैल्यू है? नहीं है। तो हम बेसिकली किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने लगे हैं, हम फाइंड करने लगे हैं ऐसे इवेंट की जिसमें कोई आउटपुट नहीं आ सकती। क्यों भला? इसकी वजह यह है कि एक्स की कोई वैल्यू -1 से लेस है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0। एनी क्वेश्चन? नो सर। किसी भी बच्चे का कोई सवाल हो पूछ ले ताकि मैं अगले फेज में जाऊं। सर 0 आने की वजह के नीचे इक्वल लगा हुआ है। कहां नीचे इक्वल लगा हुआ है? एक्स लेस देन इक्वल टू -1। आपका नाम बेटे? मोहसिन अली सर। मोहसिन, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आप मुझे आंसर करेंगे। जी जी सर। पहला सवाल ये है, एक्स की वैल्यूज क्या है? पहला सवाल, एक्स की वैल्यू सर 0 है और 1 है, 2 है। ओके, -1 से पीछे, -1 से छोटी कितनी वैल्यूज है एक्स की? -1 से पीछे सर, -1 से पीछे 0 है। 0 -1 से पीछे होता है आपके यहाँ?
एक मिनट सर, माइनस वन से पीछे क्या? यानी अगर मैं इधर कैपिटल एक्स की जगह जीरो पुट करूं तो ये इनइक्वालिटी ठीक होगी, आप ये कह रहे हैं? जी सर, एक्स की जगह जीरो पुट कर दूं तो जीरो लेस देन आर इक्वल्स टू माइनस वन, ये ठीक होगा? एक मिनट सर, नहीं मतलब इतना मुश्किल मैथ है ये? नहीं नहीं, माइनस वन से पीछे तो माइनस टू आता है। नहीं आप तो कह रहे जीरो आता है, वो सर कंफ्यूज हो गया सर। ये तो नॉन मैथमेटिकल सिचुएशन बन गई है, हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को, दे डोंट नो कि जीरो लेस देन माइनस वन है, इक्वल्स टू माइनस वन है या ग्रेटर देन माइनस वन है, उन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। गौर करने की बात है ना ये? जी सर। ये तो बड़ा सिंपल सादा सा मतलब मैथमेटिक्स है कि एक्स की तीन वैल्यूज हैं, जीरो वन और टू, हाँ या ना? यस सर। इनमें से कोई वैल्यू माइनस वन से पीछे है? नहीं सर। नहीं है तो इधर इवेंट के अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा? बिल्कुल सर, समझ आ गई। अगर कोई नहीं आएगा तो एम्प्टी सेट होगा, वो एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। बिल्कुल नहीं होती, ठीक है सर, जीरो होती है। कोई और सवाल है तो अभी कर ले ताकि मैं अगले किसी नंबर पे जाऊं। नो सर, कोई नहीं। तो आगे आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एफ एक्स, सॉरी इट्स नॉट एक्स, इट्स इसको काट दे, कलर चेंज करके आता है, यहाँ आता है कैपिटल एफ, ये आपने मुझे बताया गेटिंग माइनस 0.5, बाय डेफिनेशन क्या आना चाहिए? P ऑफ क्या आना चाहिए? कैपिटल X लेस आर इक्वल टू माइनस 0.5। मेरा सवाल है आपसे कि X की कितनी वैल्यूज हैं जो माइनस 0.5 से पीछे हैं? तो कोई भी नहीं, इसका भी आंसर जीरो आ जाएगा बिकॉज एम्प्टी सेट हो गया। ओके जी सर। अब आते हैं कैपिटल एफ ऑफ 0.5, क्या आना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 0.5। तो बताएं x की कितनी वैल्यूज है जो लेस आर इक्वल्स टू 0.5? एक वैल्यू है, वो कौन सी है? जीरो, जीरो सर। ओके, हम लिखेंगे कि एक वैल्यू है जो जीरो है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है x गेटिंग जीरो वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। वेरी गुड, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स इक्वल टू 0.1, इसका मतलब है कैपिटल एफ ऑफ 0.5 जो है वो 1/4 है। ओके जी सर। अच्छा अब इस पे आ जाए, कैपिटल एफ ऑफ जीरो फाइंड करें, क्या आना चाहिए बाय डेफिनेशन? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो, ऐसे जी ये किसके इक्वल आएगा? कितनी वैल्यूज हैं जो लेस देन आर इक्वल्स टू जीरो है? वन है, एक ही वैल्यू, ये क्या आएगा? जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स इक्वल्स टू जीरो, ऐसे जी? यस सर। इक्वल्स टू 1/4। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, ये बताएं, जल्दी से बताना है, मैं सारी कैलकुलेशन नहीं पूछूंगा आपसे, जल्दी से बता दें 0.972 इसका आंसर क्या आएगा? एफ ऑफ 0.972 1/4। तो इसका मतलब है ये जो इंटरवल है 0 से 1 तक, इसमें प्रोबेबिलिटी 1/4 रहेगी, ऐसा है? यस सर। यहां हम एफ को आंसर दे देते हैं 1/4, जब 0 से लेके 1 तक, 1 नहीं 1 तक,
इवन आप इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैपिटल एफ ऑफ 0.999 इसका भी आंसर 1/4 आएगा. एग्रीड और नॉट? इसका मतलब है 0 से लेके 1 तक, 1 नहीं शामिल उसमें, 0 से लेके 1 तक ये सारी वैल्यू जो है 1/4 आएगी. किस इंटरवल में आएगी? यहाँ मैं लिख रहा हूँ जी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0 से लेके 1 तक ये. ओके जी बेटा, ओके सर. क्लास के बाद, क्लास के बाद चले नेक्स्ट आते हैं. अगर ये वैल्यू बिलोंग करे अगले इंटरवल में, जैसे अगला इंटरवल कौन सा है? 1 से लेके 2 तक. 2 तक ओके. मसलन कैपिटल एफ ऑफ, आप फाइंड करना चाह रहे हैं 1, ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगी प्रोबेबिलिटी, बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैपिटल एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू 1. ओके यस सर. अब 1 तक कितनी एक्स की वैल्यूज आती हैं? 1 तक टू वैल्यूज, कौन सी? 0 और 0 एंड 1. इसका मतलब है ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये भी आएगा, प्लस probability of getting x is equals to 1. दो वैल्यूज आए, तो हम क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे, 1/4 प्लस 1/2 इसको ऐड करेंगे, दिस बिकम्स 3/4. नहीं समझ आया? तो 0 की प्रोबेबिलिटी और 1 की प्रोबेबिलिटी को जमा करेंगे तो आपके पास 1/4 है और 1/2, इनको जमा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3/4. एनी क्वेश्चन? नो सर. अब 1 से लेके 2 तक, तो 2 के करीब वाला जो नंबर है वो ले लें, 1.99 फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए भी 3/4 ही आएगा क्योंकि यही एक्सप्रेशन बनेगा इसका भी. एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 1 से 2 के दरमियान में हमेशा वैल्यू क्या लेगा? 3/4. नेक्स्ट अगर फेज आए, इस सारे इंटरवल को हमने कवर कर लिया, नेक्स्ट अगर फेज आए सारा प्लस इंफिनिटी का, तो 3 अगर मैं पुट करूं, कैपिटल एफ ऑफ 3 अगर पुट करूं, तो 3 से पीछे x की कितनी वैल्यूज है? 3 वैल्यूज, 0, 1 और 2. एग्री जी सर. इन सबको सम अप करना होगा, सबको जमा करना होगा, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, दिस बिकम्स 1. क्लियर हुआ? जी सर. तो 4 पुट करेंगे तब भी 1 आएगा, 5 पुट करेंगे तब भी 1, 100 पुट करेंगे तब भी 1, 98.739 पुट करेंगे तब भी 1 आएगा, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ये 1 आएगा. एग्री? यस सर. तो 1 आंसर देगा, कब देगा आंसर? जब हमारे पास 2 से लेके प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये आपको आंसर 1 देगा. एग्री जी सर. अब रियल लाइन का एक पार्ट रह गया, वो पार्ट है माइनस इंफिनिटी से 0 तक, इसकी कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे आंसर आपको 0 दे, जहां हमने पहले यही कैलकुलेट किया. ठीक है? ओके सर. क्या है? सारी रियल लाइन के लिए हमने कैपिटल एफ डिफाइन कर लिया, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स की 4 पॉसिबल वैल्यूज होंगी, एक 0 जो बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 0 रहेगा, एक 1/4, एक 3/4 और एक 1. एनी क्वेश्चन? नो सर. ओके. तो यहाँ जो डेफिनेशन है इसके मुताबिक उसने ये एग्जांपल नीचे की है, जो हमने अभी 2.1 में डेंसिटी फंक्शन बनाया है, 2.2 में वो उसने बनाया,
कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो के दरमियान ये जीरो रहेगा, जीरो से वन के दरमियान ये वन बाई फोर रहेगा, वन से टू के दरमियान ये थ्री बाई फोर रहेगा, और टू से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान ये वन रहेगा। ये क्लियर हो रहा है? यस सर। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है बाय दिस डेफिनेशन, बाय दिस डेफिनेशन। एनी क्वेश्चन इस डेफिनेशन के मुताबिक? ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। कोई सवाल है? नो सर, क्लियर है। ओके, ये एक ग्राफ नजर आ रहा है जो इस फंक्शन का ग्राफ है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का। आप इसको ड्रॉ करेंगे, आप इसको ड्रॉ करेंगे और कल आपकी जो है ना, मैं प्रेजेंटेशन जो है लूंगा इस पे। भला ये तीन पॉइंट्स हैं, ठीक है? ये तीन पॉइंट्स। ओके सर। ओके, और मैं आपसे सवालात भी करूंगा इस पे, आप तो नहीं पूछते, मैं पूछूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके, चलो ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।